नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिद्धांत गियर पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी एनएचएम सीएचओ के एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर जैसा कि आपको पता है, एमपी सीएचओ का जो 3570 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई थी दोस्तों, तो उसमें से जो पहले एक सीसीएस पोस्ट के लिए था और एक डायरेक्ट सीएचओ के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई थी, तो उसमें से पहले तो जो सीएचओ डायरेक्ट सीएचओ के पोस्ट के लिए था वैकेंसी, उसको यहां पर कैंसिल कर दिया गया था। बट अभी यहां पर एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि जो अभी जो सीसीएस के लिए भी जो एडवर्टाइजमेंट यहां पर जारी की गई थी, तो उसका एग्ज़ाम डेट एंड सिलेबस भी यहां पर रिलीज कर दिया गया था ऑफिशियली। बट यहां पर अभी एक बड़ी खबर, कल की खबर है दोस्तों, की जो पोस्ट है एमपी सीएचओ की, वो यहाँ पर कैंसिल हो गई है दोस्तों। वैकेंसी पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको विथ प्रूफ बताएंगे कि जो एमपी सीएचओ की 3570 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी गई थी, उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसएम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट आप 3570 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एमपी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये जो एमपी सीएचओ का जो वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई थी दोस्तों, उसका एडवर्टाइजमेंट था। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो लिखा है कैंसिलेशन नोटिस। यहाँ पर न्यू देखिए, कैंसिलेशन नोटिस है दोस्तों। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे लिखा है फॉलो द लिंक फॉर यस ओ पी फॉर कैंसिलेशन नोटिस। तो यहाँ पर जो लिंक दे रखा है कैंसिलेशन नोटिस का, इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक नया नोटिस है, नोटिफिकेशन जो नया यहाँ पर जारी हुआ है, वो यहाँ पर खुल के सामने आ गई दोस्तों। तो इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं, एनएचएम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था एन भोपाल, डेटेड 16/3/2021, कल की न्यूज़ है दोस्तों। ये अभी लेटेस्ट यहाँ पर लिखा है कैंसिलेशन नोटिस द एडवर्टाइजमेंट नंबर भोपाल, डेट 29/1/2021, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द वैकेंट सीट फॉर 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ एंड पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज हियर बाई कैंसिल्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 29/1/2021 को 3570 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी की गई थी दोस्तों, तो वहाँ पर अभी बीच में ही जो डायरेक्ट सीएचओ का पोस्ट था, उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। बट अभी यहाँ पर पूरी की पूरी जो वैकेंसी ही है, उसको ही यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। ये ऑफिशियली यहाँ पर नोटिस है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, उनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है इसमें दोस्तों। बार बार उनके साथ ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी कितने स्टूडेंट डिस्टर्ब हुए, बहुत परेशान हुए, जो अभी जो सीएचओ का डायरेक्ट पोस्ट था, उसको कैंसिल करके यहाँ पर फिर से फॉर्म अप्लाई कराए थे और जो डेट था उसको एक्सटेंड करे थे। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस एंड एग्ज़ाम डेट भी आ गया था। सभी बच्चे जो प्रिपरेशन में टाइम एकदम से अपना लगा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही गलत बात है दोस्तों। तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा है कि यूपी सीएचओ में भी ऐसा ही कुछ हुआ देखने को। वहाँ पर भी डायरेक्ट जो फ्रेशर्स थे 19-20 के, उसमें बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए ही सिर्फ निकाला गया था वैकेंसी, एंड बाकी के जेएनएम एंड जो ओल्ड बीएससी कैंडिडेट्स हैं, उनको वहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये जो गवर्नमेंट है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही गलत कर रही है नर्सिंग स्टूडेंट के साथ। सभी बच्चे यहाँ पर, सभी बच्चों का फ्यूचर बहुत ही खतरे में है दोस्तों। बार बार पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही वैकेंसी को एक मतलब पूरा ही नहीं करवा पा रहे हैं कि पूरा करवा के वैकेंसी यहाँ पर रिजल्ट दे सके। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा यहाँ पर इतना जल्दी। अभी 26 को पे एग्ज़ाम है, 26 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला था सीएचओ का, बट यहाँ पर कैंसिलेशन नोटिस यहाँ पर दे दी गई है। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट को अब एक साथ यहाँ पर इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी होगी दोस्तों। और अगर अब
एक ये जो वैकेंसी है इसको किस वजह से कैंसिल किया गया है, इसकी अभी कोई न्यूज़ सामने निकल कर नहीं आई है कि किस वजह से किस बेस पर इसको कैंसिल किया गया है। अगर कोई भी अपडेट सामने आती है तो हम आपको यहां से अपडेट कर देंगे दोस्तों। तो आज के लिए जो MPCHO का जो न्यूज़ था यही था दोस्तों कि जो MPCHO की वैकेंसी है वो यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। अगर आपको कोई भी न्यू अपडेट आता है आपके लिए तो हम यहाँ से आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू।